आगरा से एक वायरल होते हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस प्रकार दबंग खनन माफिया पुलिस कर्मी को पीट रहे हैं एवं उसके साथ उपस्थित सहकर्मी पुलिस वाले किस तरीके से मौके से गायब हो गए, जो कि पुलिस की बहादुरी को दिखाता है। संकट में साथ ही दरोगा को और बाकी सहकर्मियों ने पिटने दिया या ईमानदारी को रौंद दिया खनन माफियाओं के आगे। मौके पर पुलिस का फेलियर जनता से न जुड़ना और केवल थानों में बैठ वसूली में संलिप्त रहना, शायद फील्ड में भागना और सहकर्मी को पिटवाना बहुत ही शर्मनाक है। पुलिस का सिर्फ दोष इतना था कि अवैध रूप से खनन होकर जा रहे मिट्टी के ट्राली को उसने रोककर जरूरी दस्तावेजों की मांग कर दी। इस वीडियो में दिखने वाले सभी साहसी दिखने वाले फायर पुलिस कर्मियों को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा से पूर्ण विदाई दे देनी चाहिए, वरना एक और बिकरू कांड करवाएंगे। ईमानदार पिटेगा और बेईमान मुस्कुराएंगे। शर्मनाक और सत्य के साथ पुलिस की सच्चाई और अधिकारियों की कागजी वह वाई का सत्य सामने है। ये बहादुर डीजीपी के नेतृत्व वाली यूपी पुलिस है या माफिया नेताओं के संरक्षण और साठगांठ से कमाई करने वाली प्राइवेट लिमिटेड इकाई का हिस्सा? अधिकारी क्या ऑफिस कल्चर में जिएंगे या फील्ड भ्रमण करेंगे? यह सत्य ये है कि पुलिस केवल राजनीतिक साधन रह गई है। अब इस प्रकरण में देखना यह है कि कब होगी मौके पर पीठ दिखाने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई एवं वीडियो में दिख रहे दबंग खनन माफियाओं पर भी कार्रवाई। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहाँ हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज। खबरें नहीं, खबरों का सटीक विश्लेषण। जो कि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज़ 24।